أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे प्यारे बहनों भाइयों उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे आज की सबसे प्यारी हदीस के साथ आपकी ये प्यारी बहन हाजिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिश्वत देने वाले पर और रिश्वत लेने वाले पर दोनों पर अल्लाह ताला की लानत है यकीन माने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लेने और देने के ऊपर है और वैसे ही लानत अगर इंसान किसी के चेहरे पर ये फिटकार ये लानत देता है तो उसका तो बहुत ज्यादा गुनाह है और फिर वो शख्स जो रिश्वत लेता है और देता है उस पर अल्लाह पाक की लानत हो तो कितनी बड़ी ये बात है तो दोस्तों फिर अगर सोचा जाए तो आज जो मैं आपको प्यारे से वसीफा बताने लगी हूँ अगर आपके घर में बहुत रिस्क की कमी है बहुत परेशान हाल है हर वक्त आप परेशान हो कि किस तरह अपने रिस्क को बुलंद किया जाए किस तरह हमारी मुश्किलें आसान हो जाए हमारी परेशानी आसान हो जाए एक छोटा सा अमल बड़ा है और उसके जो फायदे नींद रहमती है वो उससे भी बड़ी है अपनी फैमिली को इकट्ठा करें खासकर खवातीन और भाई लोग जितने भी हैं तीन दिन का ये अमल है यकीन माने तीन दिन का ये अमल करें जितनी भी परेशानी हो कैसा भी दुख तकलीफ कारोबारी मसला घरेलू मसला कुछ भी हो ये करें आपने क्या करना है तस्बीह ले सकते हैं तो तस्बीह ले लें तो खजूर की गिटके ये खजूर की गुठलियां वो ले लें और उनके ऊपर ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते हैं एक लाख मर्तबा पढ़े या सवा लाख मर्तबा पढ़े यकीन मानिए ये एक ऐसा इसलिए आज़म है कितनी भी मुश्किल रहा हो कितनी भी मुश्किल हो फौरन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसको खत्म करते हैं एक दफा करके देखिएगा इस बहन को दुआ में याद रखिएगा अगर आपको पसंद आती है मेरी कोई बात तो यकीन माने मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस बात को सुन के अगर आप शेयर करते हो और अगर भला करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है ये छोटा सा मिल करके देखिएगा जितनी भी परेशानी है यकीन माने कभी भी आपको कोई दोबारा किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आएगी ये इलम और ये दुआ जिसको दुआई यूसुफ भी कहा जाता है और दुआई यूनुस भी कहा जाता है क्योंकि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे ये तब पर हो गई थी और हजरत यूनुस ने तब पर ही और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में पड़ी थी तो आपसे भी मैं यही कहूंगी कि आप जरूर रहें अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए इजाजत है मैं ख्याल रखिएगा।